राजस्थान हाई कोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन की पोस्ट नोटिफाई की हैं। यहाँ पे दो कैटेगरी में सीट्स नोटिफाई की गई हैं, जिसमें कि फर्स्ट कैटेगरी 2020 दिसंबर तक की है और दूसरी कैटेगरी दिसंबर 2021 तक की सीट्स की है। टोटल सीट्स की बात की जाए तो जनरल के लिए 35 2020 तक और 2021 तक 14 सीट्स हैं टोटल। रिजर्व कैटेगरी में एससी के लिए 14 और 4 सीट, एसटी कैटेगरी के लिए 10 और 3, ओबीसी कैटेगरी के लिए 18 और 6, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 8 और 3, एमबीसी कैटेगरी के लिए 4 और 1, अब पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 4 सीट 2020 के सीट्स में और एक सीट आपकी 2021 वाली वैकेंसी में नोटिफाई की गई है। अगर आप भी पीसीएस जे एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो अन अकेडमी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो उस केस में यूज़ करें कोड आनंद सर लाइव और 10% फ्लैट ऑफ आपको सब्सक्रिप्शन अमाउंट मिल जाएगा। अन अकेडमी आपको घर बैठे लाइव क्लासेस का कंफर्ट दे रही है। इसके साथ ही अनलिमिटेड एक्सेस है आपके पास कि 24x7 आप कभी भी देख सकते हैं क्लासेस। टॉप एडुकेटर्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, सारा सिलेबस कवर होता है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस है यहाँ पे, लाइव टेस्ट सीरीज होती हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में हर क्लास का अवेलेबल होता है, आंसर राइटिंग सेशन भी किया कराए जाते हैं। पेड क्लासेस के साथ फ्री क्लासेस भी अवेलेबल हैं, जिसमें कि आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी, ज्यूरिसप्रूडेंस, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सीआरपीसी, लोकल लॉ, आईपीसी, इंडियन एविडेंस के अलावा अदर सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस मिल जाएंगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी। इसके साथ ही एक्सपर्ट गाइडेंस के आपका बैचेस मिल जाते हैं, जिसमें जुडिशरी लिंकिंग बैच जो कि 28 जुलाई से स्टार्ट होगा, टारगेट बैच फॉर जुडिशरी जो कि 14 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, 7 जुलाई से अनिल खन्ना सर की टीम ने कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशियल बैच स्टार्ट कर दिया है, और जुडिशरी फाउंडेशन बैच जो कि 9 जून से चल रहा है। इसके साथ ही T20 मॉक टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जिसमें कि आईपीसी मंडे, सीआरपीसी ट्यूसडे, सीपीसी वेनसडे और एविडेंस एक्ट थर्सडे 9 से 9:30 तक होता है। इसके साथ ही फ्राइडे को मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के प्लान की बात करें तो अगर एक महीने का प्लान लेते हैं आप तो 6,250 रुपये पड़ता है, 3 महीने का लेंगे तो आपको 15,625 रुपये का पड़ता है, 6 महीने का प्लान लेते हैं तो 25,000 रुपये पड़ता है, 18 महीने का प्लान लेते हैं तो 42,188 रुपये पड़ेगा, और 24 महीने का प्लान लेते हैं तो 50,000 रुपये पड़ता है आपका। लेकिन अगर आप कोड यूज़ करेंगे आनंद सर लाइव तो आपको फ्लैट 10% ऑफ मिल जाएगा। इसके साथ ही अन अकेडमी से जुड़ने के लिए आप यूट्यूब के अन अकेडमी जुडिशरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप अन ए जुडिशरी पे ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ ही आपको हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। लेकिन इसमें एक और इसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आप अगर फाइनल लॉ स्टूडेंट हैं और आपका अभी रिजल्ट नहीं आया तो उस केस में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको मेंस से पहले उसके मार्क्स सबमिट करने होंगे। एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2022 तक आप मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल के बीच में होने चाहिए। इसके साथ ही एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और महिलाओं के लिए 5 साल तक का अपर एज रिलैक्सेशन है। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो सामान्य वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर और अन्य राज्य के आवेदक जो कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, क्रीमी लेयर और अन्य राज्य के आवेदक मतलब जो भी दूसरे स्टेट के बच्चे हैं, अगर वो रिजर्व कैटेगरी के भी हैं अपने स्टेट में तो या राजस्थान में वो जनरल कंसीडर होंगे, और उनके लिए 1,000 रुपये। राजस्थान के जो डोमिसाइल के ओबीसी हैं नॉन नॉन क्रीमी लेयर, इसके साथ ही जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए 750 रुपये, और राजस्थान स्टेट के एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लोगों के लिए 500 रुपये एग्जामिनेशन फीस। एग्जामिनेशन स्कीम को देखें तो बेसिकली एग्ज़ाम 3 स्टेज में कंडक्ट कराया जाता है। पहला स्टेज होता है प्री एग्ज़ाम, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। प्री एग्ज़ाम जो कि एमसीक्यू फॉर्म, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 ही क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इस एग्ज़ाम में। इसके साथ ही 70 नंबर लॉ का होता है, 30 नंबर लैंग्वेज जो कि हिंदी और इंग्लिश में आता है। इसके साथ जो मेंस एग्जामिनेशन है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। उसके बाद इंटरव्यू, लास्ट ईयर के कंपैरिजन जो सिलेबस देखा जाए वो थोड़ा सा चेंज है, इसलिए हम जो सिलेबस होगा वो 1-2 दिन में चेंज
चैनल पे अपलोड कर देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो स्टार्ट हो रही है 30 जुलाई 2021 से और लास्ट डेट है 31 अगस्त 2021 तक फॉर्म भरने की। इसके साथ ही जो फीस पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो 1 सितंबर रखा गया है रात के 12 बजे तक। ये राजस्थान हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है www.hcraj.nic.in। यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फॉर्म भी भर सकते हैं और बाकी जितने भी अपडेट नोटिफिकेशन होंगी वो भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।